खबर इंडिया 7। नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजा गया था, जिनमें प्रमुख रूप से राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में पहुंचे, तो राहुल का चेहरा देखने लायक था। कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी के चेहरे से मुस्कान गायब थी। राहुल गांधी अगली पंक्ति के नेताओं से बिना मिले ही अपनी सीट की तरफ दौड़ते हुए दिखे। हालांकि बीच में राहुल गांधी जब जा रहे थे तो उनको भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती मिल गई। राहुल ने बड़ी ही बेरुखी से उनसे बात की और आगे निकल गए, जबकि सोनिया गांधी उमा भारती से गले भी मिली और अच्छे से बात भी की। यहां देखने वाली बात ये थी कि राहुल गांधी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। राहुल गांधी को जैसे नतीजे आए इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। शायद राहुल गांधी सोच रहे होंगे कि आज जहां भाजपा के नेता शपथ ले रहे हैं, वहां उनके लोग भी मौजूद रहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही कारण था कि राहुल गांधी जबरदस्ती मां के कहने पर शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। राहुल गांधी के खुशी से मिलने और हंसने की कोई तस्वीर किसी ने नहीं देखी। कहा जा सकता है कि हार का गम राहुल को इतना ज्यादा सता रहा है कि वो किसी से अच्छे से मिल भी नहीं पाए। इस खबर में बस इतना ही। खबर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अधिक खबरें पाने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।